परसेप्शन क्या है लाइफ, यानी तसव्वुर क्या है हमारा लाइफ के बारे में। हमारा लाइफ के बारे में तसव्वुर ये है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जिंदगी के अंदर सारी टेंशन दूर हो जाए। इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि एक जॉब मिलके, जॉब मिलने के बाद पैसे मिलके, शादी करके सारी चीजें दूर हो जाए। या फिर किसी का परसेप्शन ये है कि किसी से जो है वो इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि उसका ट्रस्ट इतना गेन करो कि कभी वो आपसे दूर ही ना जाए। दिस इज रॉन्ग परसेप्शन ऑफ लाइफ। इफ यू वर्क हार्ड फॉर समथिंग एंड यू थिंक दैट इट विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम यू, आप अगर सोच रहे हैं कि वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगी, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी जिंदगी बिल्कुल सेटल हो जाएगी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं मैट्रिक करके, इंटर करके एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैं सुकून में आ जाऊंगा, तो बच्चों यूनिवर्सिटी के अंदर आके भी सुकून में आप नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर आके आपने कहा 6 सेमेस्टर के बाद सुकून हो जाता है, सुकून नहीं आया। 6 के बाद आपने कहा बस ग्रेजुएशन डे के बाद सुकून में, डिग्री आ जाए सुकून ही सुकून है, सुकून नहीं आया। घर वालों ने अजाब कर दिया आपके ऊपर जॉब के लिए। फिर इंटरव्यूज देने के लिए गए, आपने कहा बस ये पीएनजी यूनिलीवर के अंदर जॉब मिल जाए सुकून हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं हुआ, वहां बॉस बैठा था। बॉस के बाद आपने कहा ये बॉस मर जाए या कोई और आ जाए, लेकिन उसके जाने के बाद कोई एक और बॉस आ गई, सुकून नहीं आया। उसके बाद आपने कहा कि चलो ये तो जिंदगी चलते रहेगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, ऑटो पायलट मोड में आ चुका हूँ, इसकी गालियां सुन सुन के आदी हो चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब दिल में कोई असर नहीं होता। असर हम बोलते हैं ना, दिल पे असर नहीं हुआ मेरे, मैंने फील नहीं किया। क्या मतलब? यानी तुम्हारी बात, तुम्हारी गालियां जितनी भी थी उसने मेरे इमोशंस को ऊपर नीचे नहीं किया। मैं नेगेटिव इतना क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि है, आपने कबूल करना नहीं करना चाहे नहीं करे, आपको वापस आना है। हर वेकेशन के बाद वापस काम पे आपने आना है, हर टूर के बाद आपने वापस अपने रूटीन के अंदर आना है, हर खुशी के बाद आपने वापस अपने गम जिंदगी में आना। जिंदगी का गम है तो मैं क्या करूं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है दीनी कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में ना खुशियां बरकरार रहती हैं ना गम। लाइफ नेवर स्टेज सिंपल, इधर इट विल बी लाइक दिस एंड दिस। तो लाइफ जो परसेप्शन है आपका, अगर आपका ग्राफ जो है वो ऐसा है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सप्लाई कर्व, अपवर्ड कर्व, अगर आपका ग्राफ यूं जा रहा है जिंदगी का और आप समझ रहे हैं हमेशा ही यूं होगा, तो इसका मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अभी ऐसी स्लोप आने वाली है कि आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह ताला आपको बचाए। और अगर आपकी जिंदगी इतने जुल्म से, इतने बेचारे आप हमदर्दी की तलाश में घूम रहे हैं तो कि आप किसी के साथ गम शेयर कर सकें, अगर आपकी इतनी जो है डाउनवर्ड स्लोप है तो आपको शायद, और आप समझ रहे कभी ऊपर नहीं होगा, तो आप डिप्रेशन के अंदर होंगे, आप समझेंगे जिंदगी के अंदर कभी बेहतरी नहीं आएगी।